अच्छा, तुम्हें पूरा यकीन? ठीक है, अच्छा हुआ आप लोग यहीं मिल गए। अभी अभी अक्षत और अर्पिता के बारे में एक खबर मिली, मैंने एयरलाइन से कंफर्म किया था। उस रात फ्लाइट से ना अर्पिता गई थी ना ही अक्षत। इसका मतलब अक्षत और अर्पिता दोनों अब दोनों गए या नहीं गए उसे हमें क्या लेने देना। वैसे भी हमें उनसे कोई संबंध तो रखने नहीं है, जहाँ रहे खुश रहे बस। बिल्कुल, वो चैप्टर तो कब का खत्म हो गया सुकेत भाई साहब, कहीं आप उन दोनों को लेकर परेशान तो नहीं हो रहे हो? ओह सॉरी, मैंने भी क्या पूछ लिया, मैं जानता हूं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लगता है कि इनकी पूछताछ और तलाश जारी है। जिस दिन इनकी जिद पे इनका प्यार हावी होगा ना, अक्षत अर्पिता इन्हें मिल जाएंगे। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। ये देखो टाइम, देखो अवनी, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। इसका मतलब कि मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ। राज, ये जो घड़ी तुमने पहनी है ना, ये भी मैंने ही तुम्हें गिफ्ट की है, ठीक है, ताकि तुम टाइम से पहुंच सको। और वो इसलिए भी क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा प्यार करती हूँ। ऐसे क्या देख रहे हो, कोई गिफ्ट लाओ मेरे लिए अपना प्यार साबित करने के लिए। तुम लाइयो। इकट्ठे किए मैंने और क्यों किया, पूरी दुनिया में मुझसे ज्यादा प्यार और कोई भी नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। क्या हुआ, हो गई ना बोलती बस, मानते हो ना that I love you more? हाँ, मानता हूँ। Yes, 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 finally तुम्हें भी हार मान ली, क्योंकि तुम नहीं साबित कर पाए कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। अभी मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, इससे मेरी बात सच साबित हो, तुम जीत गए। Really, राज? कल तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, कोई प्लान नहीं बनाया तुमने, या तुम्हारा प्लान फेल हो। Oh my God, Avni, I don't believe this. राज ने तेरे नाम का टैटू करवाया। I mean, राज ने फाइनली प्रूव कर दिया कि वो तुझसे कितना प्यार करता है ना। हाँ देवी, राज मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन मैं भी कम प्यार नहीं करती हूँ उससे। मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ, बस एक कोलाज बना के दे दिया उसे। और राज, उसने कितना दर्द सहा मेरे लिए देविका, कितना पेन हुआ होगा उसे। काश मैं भी कुछ कर सकती अपना प्यार प्रूफ करने के लिए। रिलैक्स अवनी, इट्स ओके, प्यार में 19-20 होता रहता है, और वैसे भी किसी एक का प्यार हमेशा किसी दूसरे से ज्यादा था। एंड इन योर केस इट्स राज हु लव्स यू मोर। मैं 19 से 21 हूँ एंड आई लव हिम मोर, और ये बात मैं राज को साबित करके रहूंगी। एक मिनट, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में, क्या करने वाली है तू, बोल। मैं भी टैटू बनवाऊंगी। टैटू? अपनी तो पागल हो गई है क्या? हाँ मैं पागल हूँ राज के प्यार में। लेकिन अपनी तो टैटू कैसे करवा सकती है, अरविंद तुझे तो इंजेक्शन के नाम से भी डर लगता है, जो कि सिर्फ 10 सेकंड के लिए होता है, और टैटू में सुई घंटों तक चलेगी, तू कैसे करेगी? मुझे नहीं लगता तू कर पाएगी। करूँ राज के लिए, ये भी करूंगी। और प्यार क्यों ना, आपको पक्का टैटू बनाना जी? राज के नाम का टैटू लिखवाना। ओके राज, कहाँ बनवाना है? तेरी का कहाँ कराऊं? चलो यू डिसाइड, मैं आता हूँ मशीन लेके। अवनी एक काम कर, यहाँ अपर आर्म पे बनवा। नहीं यहाँ पे नहीं, ऐसी जगह जहाँ कोई देख ना पाए। गर्दन पे नहीं दिखेगा। हाँ राइट, एक्सक्यूज मी,
यहाँ नेक पे। यू श्योर ना? बिकॉज बहुत पेन होगा, बहुत दर्द हुआ होगा ना। नहीं अवनी, मैं बस तुम्हारे बारे में सोच रहा था, फिर दर्द कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं, आई एम श्योर। अच्छा एंड वन मोर थिंग, ये जब टैटू बनेगा तो इसके 2-3 दिन तक थोड़ा सा पेन हो गया, चक्कर आ सकते हैं। कोई बात नहीं। ओके फोन। चेयर अप अक्षत, तुम्हारे चेहरे पे ये उदासी मुझे अच्छी नहीं लगती। भी उस बात को सोच रहे हो? उन लोगों ने कहा ना कि वो नॉनवेज नहीं बनाएंगे। नहीं अर्पिता, माधुरी और जशन हमारी वजह से अपनी मनपसंद चीजें ना बना पाए ये सही नहीं है। किसी की अच्छाई का इतना भी क्या फायदा उठाना। और वैसे भी तुम घर को मिस कर रहे हो है ना? और सच कहूं तो मुझे भी सबकी बहुत याद आ रही है। माँ के हाथ का खाना, जी का आशीर्वाद और मेरी सबसे अच्छी दोस्त अवनी। I'm really missing them a lot. फोन भी नहीं उठा रही। हाँ अवनी। सॉरी राज, मैंने तुम्हारे कॉल्स मिस किए। और मैंने तुम्हें मिस किया अवनी। Where were you, अवनी? तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। अब वो मैं बहुत जरूरी काम से बिजी थी। अरे ऐसा कौन सा काम था? वो था कुछ देविका के साथ भारती और। एक मिनट, आई एम श्योर तुम कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। पक्का? बिल्कुल सही समझे राज, हमेशा की तरह। वैसे अगर तुम मुझे नहीं जानते हो तो बताओ कि मैं क्या कर रही थी। ओह, मतलब एक और चैलेंज। तुम्हें पता है ना अवनी कि चैलेंजेस जीतने में मैं एक्सपर्ट हूँ। पर इस बार तुम नहीं जीतोगे। कम ऑन, गेस। अच्छा, तुम शॉपिंग के लिए गई थी ना? रॉन्ग गेस। तो तुम ही बता दो ना अवनी। आज नहीं कल बताऊँ। तुम लोग ला रहे हो ना लंच पे, तब तक तुम अपना एक्सपर्ट दिमाग चलाते रहो। चैलेंज जीतने की आदत है ना तुम्हें। गुड नाइट अवनी। गुड नाइट। अगर मुझे इस पहेली का जवाब नहीं मिला तो मुझे नींद कैसे आएगी? आखिर क्या हो सकता है? पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।